इधर होके कर लो बैठे हुए 6 महीने हो गए हैं। तो आज उसी कड़ी में हमने संयुक्त मोर्चा की कॉल पर हमारे सभी साथियों के सहयोग से आज हमने दुष्यंत चौटाला रणजीत सिंह चौटाला के घर के बाहर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खट्टर और कृषि मंत्री दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह का पुतला फूका है और प्रशासन ने हमें वहाँ रोकने की कोशिश की। हमने उनको टाइम भी दिया कि 10 मिनट के अंदर हमें ये कीकर तक जाने दो, हम किसान के बेटे हैं, जो हम वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, जो कि हमने किसान के बच्चों ने वो वादा पूरा किया है और हमने यही दुष्यंत चौटाला के घर के बाहर आके हमने पुतला फूका है। देखो जी, संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर जो बुद्ध पूर्णिमा और जो 6 महीने हो गए उसको काले दिवस के रूप में मनाना था, उसके लिए हमने आज जो पहले आपको पता ही बाइट दी थी आपके मीडिया के माध्यम से, हमने कहा था कि जो दुष्यंत चौटाला है और रणजीत चौटाला है उसकी जो उसका आवास है उसके सामने हम पुतला फूकेंगे और उसी को हमने मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन से बोला था कि हमें जो ये किक्कर है इसके पास हमें जाने दो। तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट दो, 10 मिनट, 10 मिनट के बाद उन्होंने जब हमारी बात नहीं मानी तो हमारे सभी किसान साथियों ने इकट्ठे होकर हमने बैरिकेड तोड़े हैं और उसके बाद जो इसका आवास है डिप्टी सीएम का उसके घर के आगे हमने पुतले फूके हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि ये किसानी आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे उससे 2-3 गुना ये बढ़कर उनके सामने आएगा। आज काले दिवस के रूप में मनाया गया है, आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति यही है कि जो संयुक्त किसान मोर्चे का प्रोग्राम है वो तो हम फॉलो करेंगे और इस जो अपना मोर्चा इसको और तेज करने के लिए जो भी हमारी गतिविधियां होंगी हम करते रहेंगे।